हम जानना चाहते हैं कि जीपीयू क्या है, किस तरीके से ये सीपीयू से अलग है, कैसे काम करता है। तो जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो वीडियो और ग्राफिक आपके स्क्रीन में आते हैं जीपीयू के द्वारा आते हैं। जीपीयू सीपीयू का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि कुछ चीजें जीपीयू करता है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करता है। और सीपीयू एक कोर है, यानी कि आपके सिस्टम का कोर है, जीपीयू उसका कॉम्प्लीमेंट करता है। जीपीयू बहुत सारे शेप और साइज में आता है, जैसे आप एक डेडिकेटेड कार्ड लगा सकते हैं आपके पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में, या फिर आपका मदरबोर्ड में भी इनबिल्ड आता है ग्राफिक कार्ड, दोनों ही तरीके से आते हैं, बैकबोन है ये सिस्टम का। जीपीयू ये एक तरीके से सीपीयू का लोड लेने के लिए बनाया गया है, कि कुछ कंप्यूटेशन है जो ग्राफिक कंप्यूटेशन है, ज्योमेट्री कंप्यूटेशन है, क्यों ना वो जीपीयू को दे दिया जाए। सीपीयू सारे कंप्यूटेशन और इंस्ट्रक्शन पहले होल्ड करता था, करता भी है, जिसे इसलिए हम उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते थे सीपीयू। लेकिन जब टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो ये जरूर समझी गई कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीपीयू को भी दे दी जाए। तो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पहले जो स्क्रीन था वो सिंपली आपका एक ग्रिड था, जिसमें हर एक बॉक्स जो है वो 8 बिट वैल्यू दिखाता था, कोई कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग था। और सीपीयू के लिए तो बड़ा इजी था, लेकिन जीयूआई इतने नए आ गए, रेजोल्यूशन इतना आ गया कि हर एक पिक्सल में आपको 16 बिट या 32 बिट दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए जीपीयू की उत्पत्ति हुई। जीपीयू पहले जो बनाए गए थे वो केवल इसलिए थे कि हम 2D ग्राफिक को रेंडर कर सके, ताकि हम जो ड्राइंग है विंडोज की जीयूआई पे उसे एक्सेलरेट कर सके। लेकिन जैसे ही ग्राफिक एक्सेलरेशन बढ़ा, जीपीयू और 3D सबसे पहले 3D की चीज आई, तो जीपीयू और फास्टर हो गए, स्पेशलाइज हो गए। जीपीयू आज फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर समझ सकते हैं आप उसको, और जिनका काम ये होता है ज्योमेट्रिक कंप्यूटेशन, जैसे टेक्सचर मैपिंग के काम होते हैं। और जो जीपीयूज हैं उनमें आजकल एमपेग प्रिमिटिव्स ये अपने आप आते हैं, ताकि एनहांस कर सकें जो वीडियो प्लेबैक है। किसी के पास तो कैपेबिलिटी ऐसी भी है कि वो डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं HD हाई डेफिनेशन वीडियो डेटा को, और कुछ टास्क सीपीयू से वो ले रहे हैं। हार्डवेयर वाइज सीपीयू और जीपीयू ये सिमिलर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अगर आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखें जो ट्रांजिस्टर है, तो वी कैन सी दैट बहुत सारे जो जीपीयूज हैं वो ऑलरेडी ट्रांजिस्टर काउंट में बहुत ऊपर है सीपीयू से। जो स्पेशलाइज नेचर है जीपीयू का, इसका मतलब ये है कि वो काम ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी कैपेबिलिटी सीपीयू वाले नहीं कर पाते, उसके लिए उन्हें बनाया ही नहीं गया है। मल्टीपल जीपीयूज आपका और अच्छे तरीके से चीजों को बढ़ा देते हैं, व्यू बढ़ा देते हैं, जैसे ATI रेडियन का क्रॉस फायर है, NVIDIA का SLI है, ये आपको अलाउ करता है कि आप 2 GPU या 2 से ज्यादा GPU लगा सकें एक काम के लिए। तो CPU ब्रेन है कंप्यूटर का, GPU कॉम्प्लीमेंट करता है, GPU ये स्पेशलाइज है, ये CPU को रिप्लेस नहीं कर सकता। CPU जो परफॉर्म करता है फंक्शन, जो काम करता है, वो GPU कर सकता है, लेकिन जो स्पीड है बड़ा वेरिएशन है उसमें। और GPU ट्रांजिस्टर काउंट में GPU आगे है। GPU कैन वर्क इन टेंडम, यानी कि जैसे CPU की मल्टीकोर कैपेबिलिटी, उसी तरीके से GPU भी टेंडम में काम कर सकता है। एक GPU एक स्पेशलाइज्ड पर्पस प्रोसेसर है, ऑप्टिमाइज्ड है ये कैलकुलेशन के लिए और रिपीटेड कैलकुलेशन के लिए। जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है उनके लिए स्पेशलाइज है ये। CPU एक जनरल पर्पस प्रोसेसर है, और वो जो कंप्यूटेशन वो इसे करता है, लेकिन जो ऑप्टिमैलिटी है, जो एक तरीके से आप क्या करते हैं ना, किसी चीज को स्पेशलाइज बना देते हैं, एक तरीके से किसी चीज को किसी काम के लिए बनाते हैं। तो CPU एक जनरल पर्पस के लिए। CPU GPU का काम कर सकता है, लेकिन उतने उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से करना चाहिए। तो जितने भी PCs हैं उनमें आपको चिप मिलेंगे जो इमेजेस आएंगी मॉनिटर में उसको डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन सारी जो चिप्स है वो एक जैसी नहीं बनाई जाती। जैसे इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक कंट्रोल, ये आपको बेसिक ग्राफिक्स दिखा देंगे, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, लो रेजोल्यूशन वीडियो है, बेसिक गेम्स दिखा देंगे, लेकिन GPU अपने आप में क्लास है जो आपके इसके ऊपर के फंक्शन करते हैं, जो पावरफुल फंक्शन करते हैं। जैसे GPU इनकी एडवांस कैपेबिलिटीज है 3D गेम रेंडरिंग के लिए, 3D गेम रेंडरिंग के लिए, जिसमें ये पॉइंट जो पॉलीगन बनते हैं उनका पॉलीगन प्रोसेसिंग, ज्योमेट्री प्रोसेसिंग ये सब करता है। अब इसको आगे बढ़ चुका है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च है, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कहां नहीं हो गया ये। तो जो रिसेंट बिजनेस वीक आर्टिकल में इनसाइट 64 में जो नेथन ब्रुक साहब ने कहा,
कि जो जीपीयू की कैपेबिलिटी है, जीपीयू इस तरीके से ऑप्टिमाइज किए गए हैं कि वो बहुत हाई मतलब बैचेस में डेटा और ये इंस्ट्रक्शन लेके परफॉर्म करते हैं काफी फास्ट। आर्किटेक्चरली देखा जाए तो सीपीयू के पास कम कोर होते हैं, उसमें कैश मेमोरी ज्यादा होती है जो जो कुछ सॉफ्टवेयर थ्रेड एट ए टाइम हैंडल करते हैं। लेकिन अगर जीपीयू की बात करें तो इसमें हंड्रेड ऑफ कोर होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड साइमल्टेनियसली एक साथ हैंडल करते हैं। जो एबिलिटी है जीपीयू की हंड्रेड से ऊपर कोर को प्रोसेस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड जैसे मैंने आपको बताया, वो सिग्निफिकेंटली एक्सेलेरेट कर देती है आपके काम को जो ग्राफिक इंजीनियरिंग काम है। जीपीयू जो एक्सेलेरेशन अचीव कर रहा है वो बड़ा पावर और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। जीपीयू एक्सेलेरेशन जो मेन स्ट्रीम जीपीयू एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग है, अब ये लेटेस्ट जैसे आप एप्पल की बात करें ओपन सीआर के साथ आता है, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ आता है। तो क्या है इसका वाइड और मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस जीपीयू का, वो ये है कि वो कंप्यूटेशन पावर हाइज है जो स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है ज्योमेट्रिक कंप्यूटेशन के लिए, और ये और भी बढ़ रही है इसकी कैपेबिलिटी। तो आज के दौर में सीपीयू जीपीयू ने और भी टास्क इसमें आप कर सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया टास्क है, आप एडोब फ्लैश मीडिया की एक्सेलरेशन है, ट्रांसकोडिंग है वीडियो की अलग अलग फॉर्मेट्स के बीच में, इमेज रिकॉग्निशन है, पैटर्न मैचिंग है, बहुत सारे काम है और भी काम इसमें पैरेलल में आप कर सकते हैं जैसे वीडियो प्रोसेसिंग, इमेज एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू और जीपीयू ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस, प्राइस और पावर देता है। ये मेन बात है जीपीयू की कि वो एक कॉम्प्लीमेंट है, उसका काम जो है ग्राफिक रेंडरिंग है इसके साथ जो मैंने और बाकी काम बताया, और इसके कोर ज्यादा होते हैं, इसके ट्रांजिस्टर काउंट ज्यादा है, ये कॉम्प्लीमेंट है सीपीयू का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे की।